बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रही है। लुक एट दिस, जो लोग मकबैंग्स करते हैं वो सॉलोइंग पार्ट नहीं दिखाते और वो थोड़ा सा च्यू करके इधर उधर थूक देते हैं अपना बाइट। व्लॉगिंग चैनल आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। बता कौन सी वीडियो का चाहिए तेरे को, अनकट वीडियो मैं देगा। सो देहरादून में हो रखा है संपूर्ण लॉकडाउन और ऐसे टाइम पे ऑल थैंक्स टू भरत किचन बिकॉज उनके रेसिपीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। एनीवेज, हेलो, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो रिसेंटली काफी लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं अपने मकबैंग्स, डेली डाइट और प्रोटीन वगैरह के एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करता हूँ। तो अपने सारे एक्सपेंसेस का कुछ पोर्शन मैं मैनेज कर लेता हूँ बिनोमो में ट्रेडिंग करके, बिकॉज बिनोमो है मेरा ऑनेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ट्रेडिंग करके कि मैं कैसे इसमें ट्रेडिंग करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे रियल अकाउंट में है अभी 23,548 रुपीज़, और अगर आपके रियल अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप इस येलो बटन पर क्लिक करके यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हो फंड, और आप पे ये सारे ऑप्शंस हैं डिपॉजिट करने के। एक बार फंड डिपॉजिट हो जाए उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू इज हमें प्रिडिक्ट करना है कि ये ग्राफ ऊपर की साइड जाएगा या फिर नीचे की साइड आएगा, और करंट सिचुएशन देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफ ऊपर की साइड जाएगा। तो यहाँ से मैं पहले अमाउंट सेलेक्ट कर लूँगा, अमाउंट सेलेक्ट करने वाला हूँ मैं 7,000, और इसे अब मैं क्लिक कर दूंगा। अब हमें वेट करना है इस ट्रेड का कंप्लीट होने का, मतलब जब ये ग्राफ पॉइंट इस रेड लाइन तक पहुंच जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो मुझे इस ट्रेड में मिला है 12,810 रुपीज, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ और ग्राफ ऊपर की साइड ही गया। और आप देख सकते हो कि तुरंत ही वो अमाउंट मेरा रियल अकाउंट में ऐड हो चुका है। यहाँ आप इस येलो बटन पे क्लिक करोगे तो इधर आपको विड्रॉ फंड्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, और इधर इन 3 लाइन्स पे क्लिक करके आपको टूर्नामेंट्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा जहां से आप टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। और इस येलो बटन पे क्लिक करके आपको इनका लाइव चैट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, मतलब अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप इनसे लाइव चैट करके वो क्लियर कर सकते हो, और इनकी कस्टमर सर्विस 24/7 एक्टिव रहती है। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह बिनोमो में ट्रेडिंग करके अर्न करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उधर से आप बिनोमो को डाउनलोड कर सकते हो, और उस लिंक से डाउनलोड करने पे आपको मिलेंगे $1,000 अपने डेमो अकाउंट में, जिससे आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। और एक बार आपको ट्रेडिंग करना आ गया उसके बाद आप अपने रियल अकाउंट में डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। और रही बात आज के वीडियो की, तो फिर मेरे लास्ट वाले वीडियो में बहुत लोगों ने बोला है कि बटर चिकन की ग्रेवी काफ़ी पतली लग रही है, जो चीज़ मुझे भी लगी थी उस दिन उसे खाते हुए। सो आज मैंने ये चिकन मलाई टिक्का बनाया है ग्रेवी वाला, बट इसमें मैंने काजू बादाम मलाई वगैरह इतना सब कुछ डाला और इतनी देर तक पकाया कि ऑल दो ये काफ़ी कम हो चुका है, मैं काफ़ी ज़्यादा था ये खिट खिट के कम हो चुका है, बट इसकी कंसिस्टेंसी देखो डेफिनेटली इसमें मज़ा आने वाला है। ये है यहाँ मेरे पास चिली पनीर, ये मेरे डैडी ने बनाया है। दिस इज इट, सेंटर में है मेरे पास चिकन मलाई टिक्का और साथ में रखे हैं थोड़े से बासमती राइस, इस साइड है मेरे पास चिली पनीर, और इधर है मेरे पास एक सनी साइड अप एग हाफ फ्राई, थोड़े से अनियन और ग्रीन चिली, और इस साइड है मेरे पास 2 नॉर्मल पराठे और 2 एग पराठा। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट टुडेज वीडियो बिकॉज एज ऑलवेज आई एम सर्विंग। परंपरा से स्टार्ट करते हैं अपनी। पनीर से स्टार्ट करते हैं, चिल्ली पनीर नॉर्मल पराठे के साथ। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। लेट्स ओपन। मैं कोई रेसिपी और दूँ या ना दूँ, बट
चिली पनीर की रेसिपी मैं डेफिनेटली आप लोगों को दूंगा, बिकॉज ये मेरे डैड ने बनाया, अपने स्टाइल से बनाया, डेफिनेटली इसकी रेसिपी आपको दूंगा, जल्द से जल्द दूंगा, बिकॉज इट्स वर्थ ट्राइंग। चिकन मलाई टिक्का ट्राई करते हैं। कहीं ना कहीं वो काजू और बादाम ना, मतलब ड्राई फ्रूट्स मैंने ज़्यादा डाल दिए, बिकॉज थोड़ा सा मीठा सा टेस्ट आ रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा स्पाइसी सा टेस्ट, जबकि मैंने काफ़ी ज़्यादा मिर्च वगैरह डाली है इसमें, थोड़ा सा मीठा सा टेस्ट आ रहा है, अदरवाइज गजब टेस्ट आ रहा है। बट स्टिल आई वुड से अभी तक तो चिली पनीर ही बढ़िया लग रहा है मुझे। ये है एग पराठा, और इस टाइप से रेसिपी से मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, देखते हैं कैसा है। एक रोटी बनाना, गैस में सेकना, जब वो फूल जाए तो बाहर निकालना, एक साइड से उसे काटना, ऐसे वाली इस साइड से उसे काटना, और अंडा वगैरह फेंट के उधर से अंदर डाल देना, और फिर जैसे आप पराठा पकाते हो वैसे पकाना है आपको। बट टू बी ऑनेस्ट अभी ये नॉर्मल सा लग रहा है, मतलब आप अलग से ऑमलेट बनाओ पराठे के साथ खाओ तो डेफिनेटली वो ऐसा ही टेस्ट करेगा चिली पनीर के साथ। इसमें मैं थोड़े से और एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहा था, मतलब अंदर चीज़ वगैरह डालने की सोच रहा था कि ताकि थोड़ा सा चीज़ पुल मिल जाए, बट वक्त की थोड़ी सी कमी थी। ऊपर से ये थोड़ा सा कम हो गया था तो मैं टेंशन में आ गया था। और इस चिकन मलाई टिक्का ड्राई की रेसिपी आपको भारत किचन में मिल जाएगी, उसी में मैंने थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए पानी वगैरह ऐड कर लिया था। परफेक्टली कुक्ड, मज़ा आ गया, चिली पनीर में भी मज़ा आ गया और चिकन मलाई टिक्का में भी। एक बड़ा बाइट लेते हैं। इसका भी लेते हैं। ठीक ठाक स्पाइसी है। काश ये पराठे वगैरह और बनवाए होते ना, मज़ा। मज़ा आ जाता। चिकन मलाई टिक्का राइस के साथ चावल के साथ अच्छा हो रहा है, बट पराठों के साथ गजब हो रहा है, गजब। इंटरेस्ट में अगर अभी इसके साथ लच्छा पराठा होता ना, मज़ा आ जाता।
एक चीज आज मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रही है कि मुझे पराठे और बनवाने चाहिए थे। इसके साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे बढ़िया सा। बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर दो, और कई लोग बोल रहे थे गेमिंग चैनल स्टार्ट कर दो। सो गेमिंग का तो मुझे आइडिया नहीं है इतना, बट हाँ मैं व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने की सोच रहा था, बट उतने में ही ये वापस से लॉकडाउन वगैरह हो गया। तो अगर इस टाइम पे मैं व्लॉगिंग चैनल खोलूँगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा उसमें। एक बारी सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए वापस से तो डेफिनेटली व्लॉगिंग चैनल आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट मी, ये दिखने में भले ही कम लग रहा हो, बट बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी। और एक और चीज़ मैं बोलना चाह रहा था, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग मकबैंग्स करते हैं वो स्वॉलोइंग पार्ट नहीं दिखाते और वो थोड़ा सा च्यू करके इधर उधर थूक देते हैं अपना बाइट। मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है तब से लेकर अभी तक के सब क्लिप्स पड़े हैं, जितने भी मैंने मकबैंग्स करे हैं उनके सारे क्लिप्स मेरे पास पड़े हुए हैं। या तो मैं ऐसा करूँगा कि अब से जो भी मैं मकबैंग कर रहा हूँ उसका एक अनकट वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा अपने प्राइवेट सेक्शन में, और उसका URL दे दूंगा आप लोगों को, जिसको देखना हो वो देख सकता है कि हम खाना खाते हैं या फेंकते हैं। देखो यहाँ खाने की इज्जत की जाती है तो फेंकते तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बीच में एक दो मिनट के लिए रुक जाता हूँ, कभी गर्मी हो रही होती है तो फ़ैन ऑन कर लेता हूँ, कभी बाहर से गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं तो उस टाइम भी मैं रुक जाता हूँ, बट नहीं, खाना थूकते नहीं है और फेंकते नहीं है। और आपको आपको मेरे किसी भी मुखबंग का अगर अनकट वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि पहले वो मुझे स्टिच करना पड़ेगा एक साथ डिफरेंट क्लिप्स, और फिर मैं अपलोड कर दूंगा इफ़ यू गाइस वांट। एक्चुअली जो वीडियो फाइनल वीडियो आपको देखने को मिलता है इसमें काफ़ी ज़्यादा कट्स होते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं बीच में, कभी कोई गाड़ी आ जाती है तो हम रुक जाते हैं, गर्मी लगती है, कभी पसीना आ रहा होता है तो मुंह पोछते हैं, यहाँ टॉवल मेरे हमेशा रहता है, फिर फैन वगैरह बंद करना पड़ता है अदरवाइज ये माइक में उसकी आवाज़ कैच हो जाती है। सो काफ़ी चीज़ें होती हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा चले जाता है, और इतना लंबा वीडियो कोई नहीं देखने वाला अगर मैं डाल दूँ। बट स्टिल अगर आप लोगों को मेरे किसी भी मकबैंग का अनकट वीडियो चाहिए हो देन प्लीज़ लेट मी नो। कोई भी आपका दोस्त वगैरह ऐसा बोले कि ये लोग साइड में खाना थूक देते हैं तो उसे बोल देना कि बता कौन से वीडियो का चाहिए तेरे को अनकट वीडियो, मैं देगा। ये टेबल नहीं है, ये चॉपिंग बोर्ड है जिसे मैं रोजाना धोता हूँ, टेबल ये है। इस टेबल के ऊपर एलिवेट करके ये चॉपिंग बोर्ड रखता हूँ मैं, और इसे मैं हमेशा साफ रखता हूँ। मैं डालते हैं थोड़ा सा चिकन, देहरादून में संपूर्ण लॉकडाउन है तो यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, मेडिकल स्टोर के अलावा और कुछ भी नहीं खुला है, तो ये मेरा वही चिकन है जो मैं अपने रेगुलरली डाइट में लेता हूँ बोनलेस। हम इसे थोड़ा सा और फैंसी बनाएंगे, अब रोल बना रहे हैं तो अच्छे से ही बनाएंगे, कोई नहीं थोड़ा बहुत मैसी हो जाए चलेगा, बट लुक एट दिस, एग पराठा है उसके ऊपर से पनीर, चिकन, अनियन, सब कुछ है। लेट्स डिग इन।
हर जगह का काठी रोल फेल है। यकीन दो मेरा इसका मुकाबला नहीं कर सकता कोई। ये सनी साइड अप एग पहले खा दें। एक दिन उसका भी मक बैंग करेंगे। मैं इतना ज़्यादा खुश कभी नहीं हुआ। चिकन भी थोड़ा सा बचा है और पनीर भी थोड़ा सा बचा है, और आज मैं अपना ओमैड नहीं करने वाला किसी भी हालत में। इन दोनों ही चीज़ों को मैं रात को आराम से गर्मा गर्म परांठों के साथ इंजॉय करने वाला हूँ। And I guess this is it for today. I hope you guys enjoyed today's video. Thank you so much for watching. Keep smiling and I'll catch you guys on to the next one. Till then, take good care of yourself. Ghar mein raho aur surakshit raho. Peace.